देश में यहाँ से आदर्श आचार संहिता लागू हुआ है। पूरे देश में चुनाव का बिगुल बज गया है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। वहीं आदर्श आचार संहिता लगते ही जिला प्रशासन ने कमर कस लिया। जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने नगर निगम के साथ मिलकर राजनीतिक पार्टियों के बैनर पोस्टर को हटाया। वहीं इस संबंध में एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि देश में आदर्श आचार संहिता लागू हुआ है, जिसको देखते हुए जनपद में राजनीतिक दलों के बैनर व पोस्टर को हटाया जा रहा है। इसमें देखा जा रहा है कि जो भी बैनर व पोस्टर चुनाव को प्रभावित कर सकता है, वह सभी बैनर व पोस्टर को हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 72 घंटे के अंदर सभी बैनर व पोस्टर को हटा दिया जाएगा। वहीं इस संबंध में एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई ने कहा कि देश भर में दोपहर 3 बजे से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसको देखते हुए सभी राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधियों को चुनाव के नियमों से अवगत करा दिया गया है। इसके साथ ही सभी राजनीतिक दल के बैनर व पोस्टर को हटाया जा रहा है। पूरे जनपद में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस अलर्ट मूड पर है। लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए प्रतिदिन फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने कहा, एमसीसी जो है इन्फोर्स हो गई है और उसी इन्फोर्समेंट के तहत जो सर्वप्रथम 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जानी होती है कि सरकारी कार्यालयों से जो भी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर पोस्टर हैं उन्हें हटाने के लिए उसके मद्देनज़र कार्रवाई की जा रही है। सर, ये कार्रवाई कहाँ कहाँ की गई है और कब तक चलेगी? ये कार्रवाई हम लोगों ने अभी पहले कल से स्टार्ट किया है और मतलब है कि आज सभी सरकारी कार्यालय और मेजर स्थानों पे देख लेंगे और ये अगले 3 दिन तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। क्या प्राइवेट स्थानों पर लगे झंडा बैनर या किसी तरह की जानकारी? हाँ, प्राइवेट स्थानों के लिए भी लास्ट के मतलब है कि 48 घंटे से 72 घंटे का जो समय रहता है उसमें प्राइवेट स्थानों पे भी जो झंडा बैनर लगे हुए हैं उनको हटाने की कार्रवाई की जाती है। तो उसके मद्देनज़र 72 घंटे में पूरे मतलब एमसीसी जो ये है शुरुआती एमसीसी है उनको हम इन्फोर्स करा लेंगे।